हेलो एवरीवन वेलकम टू द सेशन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेड एट की साइंस और उसका नाइन्थ चैप्टर रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अच्छा चलिए पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम कि आपको कुछ भी याद है ये जो सारे के सारे सिस्टम्स हैं ये जरूरी होते हैं एक इंडिविजुअल की एग्जिस्टेंस के लिए आपने ये भी पढ़ा था कि एक प्रोसेस होता है जिससे ऑफ स्प्रिंग्स पैदा होते हैं बच्चे पैदा होते हैं उसे हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं और रिप्रोडक्शन जरूरी होता है ताकि अपने किस्म के जो बच्चे हैं वो पैदा किए जा सके और वो जो पर्टिकुलर स्पीशीज है वो आगे चलती रहे अब क्योंकि हमें रिप्रोडक्शन की इम्पोर्टेंस के बारे में पता लग गया है कि अगर एक तरीके की स्पीशीज आपस में मिलके बच्चे पैदा नहीं करेंगी तो वो एक्सटेंट हो जाएंगी तो जेनरेशन टू जेनरेशन अपने तरीके के इंडिविजुअल्स को पैदा करना ही रिप्रोडक्शन कहलाता है आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं किस किस तरीके से रिप्रोडक्शन होती है किस किस तरीके से रिप्रोडक्शन होती है उसको डिस्कस करने से पहले आपको पता होगा कि हर एक एनिमल का अलग तरीके का बच्चा होता है किसी के बच्चे का नाम कुछ होता है कोई अंडे के फॉर्म में बर्थ लेता है कोई एज एन एनिमल ही बर्थ लेता है सीधा मतलब वो अंडे की शेप में नहीं पहले पैदा होता आपकी बुक में एक टेबल दिया हुआ है हम देख लेते हैं कि जो एनिमल्स हैं और उनके यंग वांस उनको क्या बोला जाता है जैसे ह्यूमन के बच्चे को बोला जाता है बेबी कैट के बच्चे को बोला जाता है किटन डॉग के बच्चे को पपी बटरफ्लाई के बच्चे को कैटरपिलर्स या प्यूपा बोला जाता है हेन के बच्चे को चेक के बच्चे को काफ और फ्रॉक के बच्चे को बोला जाता है टेडपोल इसी तरीके से जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि प्लांट्स के अंदर दो मोड्स होते हैं रिप्रोडक्शन के एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें फीमेल और मेल ऑर्गन प्रेजेंट होता है फ्लावर के अंदर और एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वैसे ही एनिमल्स भी दो तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में मेल फीमेल पार्ट का होना जरूरी नहीं है लेकिन जब आप सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हो तो उसके अंदर मेल और फीमेल पार्ट का होना जरूरी है अगर आपको मैं पूछूं कि आपको फ्लार के मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम याद है तो मैं आपको बता देती हूँ मुझे याद है जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसे हम स्टैमिन बोलते हैं और जो पिस्टल होता है उसे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट्स का ठीक है चलिए अब जैसे प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं एनिमल्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं एनिमल्स बेसिकली बनाते अब ये गैमीट क्या होते हैं गैमीट होते हैं एक ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्टिव सेल्स जब ये रिप्रोडक्टिव सेल्स आपस में मिलते हैं तो एक जाइट बनता है जयगॉट से एक नया इंडिविजुअल पैदा होता है तो इस तरीके की रिप्रोडक्शन जिसमें फ्यूजन होता है मिलते हैं मेल और फीमेल गैमी उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम देते हैं चलिए ह्यूमन बीइंग्स के अंदर ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इसके बारे में पढ़ते हैं पर पहले हम पता लगा लेते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो ये गैमीट्स पैदा करते हैं वो कहां पे मौजूद होते हैं सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं एक

बहुत छोटे होते हैं साइज के अंदर और इनका एक हेड होता है एक मिडिल पीस होता है इनका और एक पीछे की साइड पे इनकी टेल होती है क्या आप सोच सकते हैं ये जो टेल है ये किस काम आती है जो टेल है वो एक्चुअली स्पर्म को स्विम करने में मदद करती है स्पर्म जो है ओविडक्ट के अंदर जाता है और उसके बाद एग तक रीच करता है ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके तो वहां पर तैरने के लिए टेल का मौजूद होना बहुत ज्यादा जरूरी है अब आपको क्लियर हो गया ये सारा का सारा जो स्पर्म है ये एक सिंगल सेल है क्लियर हमने सेल के बारे में पढ़ा था लास्ट क्लास में वैसे ही हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर एक पेयर ऑफ ओवरीज होता है ओवरीडक् होता है जिसे हम फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं और एक यूट्रस होता है आप डायग्राम में देख सकते हो जो ओवरी है वो प्रोड्यूस करती हैं फीमेल गैमिट्स को रिप्रोडक्टिव सेल्स को जिसे हम ओवा या फिर एग्स बोलते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर एक सिंगल मेचोर जो एग है वो रिलीज होता है इनटू टू दी ओवी महीने में एक बार रिलीज होता है ठीक है ओवरीज के द्वारा रिलीज होता है जो यूट्रस है वो वो वाली जगह है जहां पर बच्चा जो है कि जो एग है एनिमल्स का वो तो अलग अलग साइज का होता है पर जो ह्यूमन बींग्स का जो एग है वो कितना छोटा है ऑस्ट्रिक्स का एग कितना बड़ा है ये डिफरेंस देखने को मिलता है सेल अलग अलग साइज के होते चलिए अब हमने पढ़ लिया गैमी के बारे में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की जो एक प्रोसेस होता है जिसमें बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले जो प्रोसेस के अंदर स्टेप होता है वो प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बोलते हैं हम उसे उसमें फ्यूजन होता है आपस में मिलते हैं स्पर्म और ओवम एग जिसे हम बोलते हैं वो आपस में आके मिलते हैं जब स्पर्म एक बार एग के कांटेक्ट में आ जाता है उसके बाद वो दोनों फ्यूज करते हैं एक होने की कोशिश करते हैं जब एफ से वो फ्यूजन हो रहा होता है तो एफ से याद रखना फर्टिलाइजेशन होता है जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जो उनका न्यूक्लिया है लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था न्यूक्लिया स्पर्म का और न्यूक्लिया ही एग का वो भी आपस में फ्यूज होके एक सिंगल न्यूक्लियस बनाते हैं जब ये फर्टिलाइज एग तैयार हो जाता है इसे हम जाइगॉट बोलते हैं सिंगल न्यूक्लिया गया और एक सेल भी बन गया तो ये बन जाता है हमारे पास एक तरीके से जाइगॉट जो जायॉट है वो एक नई शुरुआत होती है बच्चे के बनने की एक न्यू इंडिविजुअल के बनने की अब ये जो प्रोसेस था फर्टिलाइजेशन का एग के मिलने का और साथ ही साथ स्पर्म सेल के मिलने का स्पर्म सेल फादर की साइड से आता है एग मदर की साइड से आता है और जो इंडिविजुअल है जो बच्चा है वो दोनों के ट्रेड्स जो है में बताया था ना होते हैं तो जो बच्चा है वो इनहेरिट करता है दोनों के जीन्स तभी आपने देखा होगा लोग बोलते हैं अरे आप आपके पापा जैसे दिखते हैं आपके भाई बहन आपके मम्मा जैसे दिखते हैं क्योंकि वो जो जीन्स है वो आप इनहेरिट करते हो वो आप लेते हो अपने पेरेंट्स से ये जो फर्टिलाइजेशन है ये बेसिकली फीमेल की बॉडी के अंदर होता है इसीलिए हम इसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं काफी एनिमल्स के अंदर ये इंटरनल प्रोसेस के जरिए ही होता है बेशक हम काउस की बात करें डॉग्स की बात करें हेंस की बात करें लेकिन ह्यूमन बींग्स में बाहर के साइड पे भी कई बार फर्टिलाइजेशन होता है आपने सुना होगा ट्यूब बेबीज के बारे में बच्चों को ये नॉलेज देनी जरूरी है कि टेस्टिव बेबीज क्या होते हैं कई बार विमेन जो हैं वो बच्चे कंसीव नहीं कर सकती कहने का मतलब जो स्पर्म है मेल जो गैमीट है वो एक्चुअली उनके एग के साथ जाके नहीं मिल पाता फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाती तो इस केस में जो डॉक्टर है वो फ्रेश एग लेते लेते हैं हैं मदर की साइड से और स्पर्म लेते हैं, दोनों को इकट्ठा रखते हैं सर्टेन कंडीशंस के अंदर कुछ घंटे के लिए जिसे हम बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन जो बॉडी के बाहर हो रही है ये प्रोसेस जनरली बॉडी के अंदर होता है बट इस केस में क्योंकि ये बाहर हो रही है फर्टिल टिलाइजेशन और जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है उसके बाद जो जाइगॉट है जब एक सेल बन जाता है तो जो जाइोट है उसे अलाउ किया जाता है कि वो डेवलप करे थोड़ा सा बड़ा हो जाए एक हफ्ते के लिए और उसके बाद उसे उठा के मदर के मदर यूट्रस में डाल दिया जाता है ये जो डेवलपमेंट है बच्चे की वो नॉर्मल किसी भी बच्चे के तरीके से होती है जैसे आम मदर्स के, के केस में होती है क्योंकि ये बच्चे जो है ये जो बेबीज हैं बेसिकली इनका प्रोसेस जो है बनने का ये टेस्ट ट्यूब के अंदर शुरू होता है जहां पर स्पर्म और एग आपस में आके मिलते हैं इसीलिए इनको टेस्ट ट्यूब बेबीज भी बोला जाता है इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे टेस्ट ट्यूब में पैदा हुए हैं बच्चे माँ के यूट्रस में ही पैदा होते हैं लेकिन जो प्रोसेस था शुरुआत का इन विट्रो फर्टिलाइजेशन उसे हम कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबीज पैदा हुए हैं अब आप सरप्राइज हो गए जान के कि बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनमें जो फर्टिलाइजेशन है वो बॉडी के बाहर होती है ये जो फर्टिलाइजेशन है कई बार ये पानी के अंदर होती है चलिए आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ आपने कभी पॉन्ड्स में जाके या स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम्स में जाके देखा होगा बारिश के दिनों में जो फ्रॉग है उसके अंडे ना पानी के अंदर फ्लोट कर रहे होते हैं अलग अलग तरीके के कलर्स के होते हैं अलग अलग साइज के होते हैं क्या होता है बारिश के दिनों में जो फ्रॉग हैं और जो टॉड्स हैं वो इकट्ठे पौंड के अंदर या स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम के अंदर इकट्ठे चले जाते हैं पानी के अंदर मतलब मेल और फीमेल जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं उसके बाद जो फीमेल है वो बहुत सारे अंडे बाहर ले कर देती है पानी के अंदर ले कर देती है जैसे मुर्गी का जो अंडा है वैसा अंडा नहीं होता फ्रॉक का मुर्गी के अंडे के बाहर एक कवरिंग होती है लेकिन जो फ्रॉक का अंडा होता है वो इतना ज्यादा हार्ड कवरिंग से सराउंडेड नहीं होता कंपैरेटिवली बहुत डेलिकेट होता है जेली तरीके की लेयर होती है जो अंडे को होल्ड करके रखती है प्रोटेक्शन देती है अंडे को अब ये जो एग्स हैं जो मदर ने ले कर दिए इसके ऊपर आकर जो मेल है वो स्पर्म डिपॉजिट कर देते हैं और जो स्पर्म्स हैं वो फ्लोट करते हैं पानी के अंदर अपनी तेल की मदद के साथ स्पर्म जो है कुछ वो एग के कांटेक्ट में आते हैं और उसकी वजह से फर्टिलाइजेशन होती है फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन ऑफ याद रखना एफ से फर्टिलाइजेशन एफ से फ्यूजन फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स जिसे हम गैमीट्स बोलते हैं वो हो रही है अब ये बॉडी के अंदर नहीं हो रही बॉडी के बाहर हो रही है इसलिए हम इसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं ये अक्सर आपको कॉमनली देखने को मिलता है इक्वेटिक एनिमल्स के अंदर जैसे फिश भी यही तरीके से रिप्रोड्यूस करती है स्टार फिश भी इसी तरीके से रिप्रोड्यूस करती है आपने देखे होंगे अलग अलग तरीके के जो अंडे हैं हंड्रेड ऑफ अंडे जो हैं वो पड़े होते हैं लेकिन जो मुर्गी है वो एट अ टाइम एक ही अंडा देती है अब ये जो हंड्रेड ऑफ एग्स हैं और स्पर्म्स रिलीज होते हैं ये सारे के सारे फर्टिलाइज नहीं होते सारे के सारे न्यू इंडिविजुअल में तब्दील नहीं होते क्योंकि जब स्पर्म्स या एग्स को आप पानी में रिलीज करते हो तो पानी भी तो हिल रहा है विंड भी चल रही हो सकती है हो सकता है रेनफॉल हो रही हो तो इधर उधर हो जाए या एक्वेटिक एनिमल्स ही अंडों को खा जाए जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन ना हो पाए तो बहुत कम एग्स और जो स्पर्म है वो आपस में मिलते हैं और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है अब आप ये सोचो कि किस तरीके से एक सिंगल सेल जो है वो कितना बड़ा इंडिविजुअल में चेंज हो जाता है ये कैसे होता है क्योंकि हमारे पास जायॉट आया था वो सिंगल सेल था अब उससे आपने बनाना है एक एम्ब्रियो एम्ब्रियो से एक इंडिविजुअल बनता है जिसके ऑर्गन बनते हैं हाथ पैर बनते हैं कैसे होता है चलिए ये डिस्कस करते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फर्टिलाइजेशन हुई फ्यूजन हुआ उसकी वजह से जाइगोड बना और जयगोड की डेवलपमेंट होनी शुरू होती है इनटू एम्ब्रियो इतनी बात क्लियर हो गई एक जायॉट बनता है और फिर के बाद डेवलप होता है एम्ब्रियो कैसे डेवलप होता है जो जायॉट होता है वो रिपीटेडली अपने आप को डिवाइड करता रहता है और एक बॉल जैसे स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे जो सेल्स हैं वो इकट्ठे आ जाते हैं अब ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं थोड़ी देर के बाद ये डिवेलप हो जाते हैं इनके अंदर अलग अलग तरीके के टिश्यूज अलग अलग तरीके के ऑर्गन पहले एक बॉल बनती है सेल्स की और फिर वो जो ग्रुप है उसके टिश्यूज बनते हैं अलग अलग तरीके के ऑर्गन्स बनते हैं तो जो टिश्यूज और ऑर्गन्स बनने शुरू हुए बेसिकली उस स्ट्रक्चर को बोला जाता है एम्ब्रियो एम्ब्रियो जो है वो यूट्रस की जो वॉल है दीवार है उस पर चिपका होता है यूट्रस के अंदर डेवलपमेंट होती है बेबी की एम्ब्रियो जो है यूट्रस के अंदर बड़ा होता है ये याद रखना और धीरे धीरे बेबी के हाथ पैर हेड आईज ईयर्स ये स्ट्रक्चर आ जाता है जो आप देखते हो कई बार कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर मदर्स जब जाती हैं अपना चेकअप कराने के लिए तो जो स्टेज होती है एम्ब्रियो की जिसमें बॉडी पार्ट्स दिखने शुरू हो जाते हैं आप आइडेंटिफाई कर सकते हो उसे हम बोलते हैं फीटस अब ये जो डेवलपमेंट है फीटर्स की जब ये पूरी हो जाती है उसके बाद जो मदर है वो बच्चे को बर्थ दे देती है पर ये सारा का सारा प्रोसेस इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहलाता है जैसे मुर्गियों के अंदर होता है तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो मुर्गियां हैं वो भी वैसे ही बर्थ देती हैं जैसे ह्यूमन बींग्स देते हैं नहीं इनका स्ट्रक्चर अलग है दोनों में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है लेकिन ह्यूमन बीइंग्स बेबी को बर्थ देते हैं लेकिन जो मुर्गियां हैं वो अंडे देती हैं, अंडों में से चिक निकलता है अब इस प्रोसेस को समझते हैं। सिमिलर केस मुर्गी के अंदर होता है जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है जो जाइगोट है वो रिपीटेडली डिवाइड होता है और वो नीचे चला जाता है ओवीडक्ट के अंदर जब वो नीचे जा रहा होता है उसके अंदर ना बहुत सारी ऊपर की साइड पे प्रोटेक्टिव लेयर्स बन जाती हैं और उनमें से एक लेयर वही है जो व्हाइट कलर की आप देखते हो ना एक हार्ड शेल बन जाता है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर है ताकि वो जो सेल्स का ग्रुप है वो खराब ना हो जाए कुछ देर के बाद जब वो हार्ड शेल जो है वो डिवेलप हो जाता है डिवेलपिंग एम्ब्रियो के आसपास एम्ब्रियो भी डिवेलप हो रहा है तो मुर्गी अंडा दे देती है एम्ब्रियो डिवेलप हो रहा है अभी उसके पार्ट्स बन रहे हैं अब जब एम्ब्रियो डेवलप होता है उसको तीन हफ्ते लग जाते हैं वो डेवलप होता है और फिर चेक निकलता है उसके अंदर छोटा सा अब आपने देखा होगा मुर्गी जो है वो अंडे के ऊपर बैठी होती है ताकि उसे सफिशियंट गर्मी मिले वॉम्थ मिले क्या आपको पता है ये जो डेवलपमेंट है चेक का Yes, अंडे के अंदर ही होता है शेल के अंदर ही होता है इस पीरियड के दौरान जो चेक है जब वो कंप्लीटली डेवलप हो जाता है उसके बाद वो बाहर वाली शेल को तोड़ के निकल जाता है कुछ एनिमल्स के अंदर जहां पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है जो डेवलपमेंट होती है एम्ब्रियो की वो फीमेल बॉडी के बाहर होती है इसीलिए इसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं जो एम्ब्रियो है वो बड़ा होता है एग की कवरिंग के अंदर ही जब एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है जो अंडा है वो हैच कर जाता है मतलब स्विम करते हुए पॉन्ड्स के अंदर स्ट्रीम्स के अंदर अब हम पढ़ते हैं दो डिफरेंसेस होते हैं कुछ एनिमल्स अंडे के जरिए जन्म देते हैं कुछ एनिमल्स वैसे ही अपने यंग वंस को बर्थ दे देते हैं जैसे जिराफ अंडा नहीं देता वो सीधा एक छोटे जराफ को बर्थ देता है तो उनकी दो कैटेगरीज होती है एक होता है विवी पैरस और एक होते हैं ओवी पैरस एनिमल्स विवी पैरस वो वाले एनिमल्स होते हैं जो सीधा यंग वंस को जन्म देते हैं और ओवी पैरस वो वाले एनिमल्स होते हैं जो पहले अंडे को जन्म देते हैं अंडा निकालते हैं और उसके बाद यंग वंस उस अंडे में से बर्थ लेते हैं अब इसको याद कैसे करना है ओ से ओवल ओ से ओवी पैरस और अंडा ओ ओ याद करना ओवल शेप का क्या होता है अंडा होता है तो ओवी पैरस जो अंडे देते हैं अब आपको ये चीज आसानी से समझ आ जाएगी आप जाके ना किसी के अंडे इकट्ठे करो मान लीजिए आप फ्रॉक के अंडे इकट्ठे करते, करते हैं लेजर्ट के करते हैं बटरफ्लाई के करते हैं मौत के करते हैं हेन के करते हैं क्रो के करते हैं किसी और बर्ड के करते हैं अब आप जब ये अंडे इकट्ठे करोगे तो आप ये देखोगे कि कुछ केसेस में अंडे इकट्ठा करना इजी होता है क्योंकि अंडे आपको मदर की बॉडी के बाहर मिल जाते हैं वो बाहर पैदा करते हैं अंडों को ये एग्जाम्पल होता है ओवीपैरस एनिमल्स का लेकिन कुछ होते हैं जो सीधा यंग वंस को बर्थ देते हैं उनको हम वीवी पैरस बोलते हैं जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ वीवी पैरस के केस में एलिफेंट आ गया हॉर्स आ गया काओ बफलो डंकी मोंकी अगर हम ओवी पैरस की बात करें डक क्रो पेजन कुकू स्वैन ये सारे अंडे देते हैं चलिए अब बात करते हैं यंग वंस टू एडल्ट की स्टेज में कैसे जाते हैं कुछ जो हैं एनिमल्स उनके अंदर सिमिलर ट्रेट्स होते हैं अपने पेरेंट्स जैसे और कुछ एनिमल्स की ना स्टेजेस होती है ग्रोथ ग्रोथ की की जैसे आपने सिल्क के बारे में पढ़ा था तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है डिफरेंट स्टेजेस के अंदर उसे हम मेटामोरफोसिस बोलते हैं इसके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं अब जो हमने अभी तक पढ़ा है उसमें हमें ये पता लगता है कि जब न्यू इंडिविजुअल्स जन्म लेते हैं या अंडे में से निकलते हैं तो वो एक पर्टिकुलर स्टेज तक ग्रो करते हैं जब तक वो एडल्ट्स में चेंज नहीं हो जाते कुछ केसेस में जो एनिमल्स हैं और उनके जो यंग हैं, वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं हालांकि वो सेम स्पीशीज के होते हैं लेकिन दिखाई अलग देते हैं क्योंकि उनका एक लाइफ साइकिल होता है अगर सिल्कफॉर्म की बात की जाए एग से लार्वा की स्टेज या कैटरपिलर कैटरपिलर से प्यूपा प्यूपा से एडल्ट तो स्टेजेस से जाते हैं आप अलग अलग स्टेजेस वैसे ही फ्रॉग की भी डिस्कस कर सकते हो कि कैसे वो एग से एडल्ट स्टेज में जाता है तीन स्टेजेस होती हैं एग से वो कन्वर्ट करता है टैड पोल या लार्वा के अंदर लार्वा चेंज होता है एडल्ट के अंदर जो एक फ्रॉग बनता है अब इसका मतलब ये है कि जो टैड पोल्स हैं क्या वो अलग तरीके के दिखाई देते हैं एडल्ट से बिल्कुल टैड पोल जो है वो एडल्ट से डिफरेंट दिखाई देते हैं ना अलग अलग स्टेजेस हैं तो सिमिलरली अगर हम कैटरपिलर की बात करें प्यूपा की बात करें सिल्क वॉर्म की वो एडल्ट मौत से काफी डिफरेंट दिखाई देते हैं एक पर्टिकुलर फीचर दिखाई देता है इस ऑर्गेनिज्म का एक पर्टिकुलर स्टेज के अंदर तो यही केस आप देखते हो फ्रॉग के अंदर सिल्क वॉम के अंदर बटरफ्लाइज के अंदर आपने देखोगा किस तरीके से एक कुकून के अंदर से ब्यूटीफुल सा मौत बाहर की तरफ को निकल रहा है टैडपोल किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करते हैं अपने आप को एडल्ट्स के अंदर जो कैपेबल होते हैं जंप करने के स्विमिंग करने के तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है ना जिसमें ड्रास्टिक चेंजेस आती हैं लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट होता है ड्रास्टिक चेंजेस के जरिए उसे हम मेटामोर्फोसिस बोलते हैं क्या आपने देखा है ऐसी कोई चेंज जो हम अंडरगो करते हैं एज ह्यूमन बींग्स ह्यूमन बींग्स की जो बॉडी पार्ट्स है ना वो आज जैसे हैं वैसे ही होते हैं जब वो बर्थ लेता है सिर्फ वो ग्रो करते हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तो ये जो डिफरेंट स्टेजेस होते हैं जिसमें ड्रेस्टिक चेंजेस आते हैं ट्रांसफॉर्मेशन होता है क्रिएचर का उसे हम मेटामोर्फोसिस बोलते हैं अब बात करते हैं सेकंड केस ऑफ रिप्रोडक्शन की जो कि है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे प्लांट्स के अंदर हमने पढ़ा था वैसे ही एनिमल्स के अंदर भी होता है जैसे स्मॉल एनिमल्स की बात की जाए हाइड्रा या फिर एमीबा की बात की जाए तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं आप हाइड्रा को देख सकते हो हाइड्रा के ना बॉडी पार्ट्स में से अलग अलग साइड से आपको बल्जेस दिखाई देंगे अलग अलग साइज के जब ये जो बल्ज़ेस हैं ये अलग कर दिए जाते हैं तो एक इंडिविजुअल ग्रो करता है इनके अंदर से इस तरीके से जो हाइड्रा है वो ग्रो करता है अगर हम एमीबा की बात करें जैसे हमने हाइड्रा में पढ़ लिया बल्जेस होते हैं जो बल्ज़ेस हैं वो इंडिविजुअल में ग्रो करते हैं ये जो बल्जेस हैं इन्हें हम बर्ड्स भी बोलते हैं ऐसी बर्ड्स आपको याद होंगी के अंदर भी दिखाई देती हैं अच्छा चलिए अब बात करते हैं सिंगल पेरेंट जो इन्वॉल्व होता है और वो रिप्रोड्यूस करता है उसको हम ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं जैसे हाइड्रा के केस में बर्ड्स के जरिए हो रही थी रिप्रोडक्शन एसेक्शुअल थी वैसे ही उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बडिंग और वैसा ही आप एमीबा के अंदर देख सकते हो एमीबा एक स्ट्रक्चर है और जब वो सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है तो उसकी डिवीजन हो जाती है दो पार्ट्स के अंदर और दो न्यूक्लिया भी निकलते हैं फिर वो जो दो न्यूक्लिया हैं उनके अंदर पेरेंट न्यूक्लिया के पार्ट होंगे वो इंडिविजुअल पेरेंट्स बन जाते हैं और उसके अंदर से और दो निकल जाते हैं तो ऐसे करके ये जो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का काम है ये चलता रहता है जब एक इंडिविजुअल दो पार्ट्स में डिवाइड करता है जैसे अमीबा के केस में उसे हम बाइनरी फिजन बोलते हैं तो बडिंग और बाइनरी फिजन के अलावा और भी तरीके हैं जिसमें सिंगल पेरेंट रिप्रोड्यूस करता है अपने बच्चों को इसको हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे पर एक बहुत इंपॉर्टेंट केस मैंने आपको बताना है स्टोरी है डॉली की क्लोन की सी से क्लोन सी से होती है कॉपी बनाना जैसे अगर मुझे अपने जैसा दिखने वाला बेबी चाहिए तो मैं क्या करूंगी अपने जो सेल का न्यूक्लियस है वो किसी के सेल के न्यूक्लियस के अंदर डाल के चेंज कर दूंगी ताकि बच्चा जो है वो मेरे जैसा दिखे बिल्कुल जितने बड़े सेलिब्रिटीज है अगर मुझे चाहिए कि आंखें उसके जैसी हो बाल उसके जैसे हो बच्चे के तो डेफिनेटली हमें उनका न्यूक्लिया लेना पड़ेगा जिसके अंदर क्रोमोजोन्स के अंदर उनके जीन्स होते हैं वैसे ही एक ट्रायल किया गया एक एनिमल के अंदर एक शिप के अंदर क्लोन बनाया गया था तो क्लोनिंग जो है सबसे पहले सक्सेसफुली परफॉर्म की गई थी बाय इयान विलम के द्वारा और उनके कुलीग्स ने इसे सक्सेसफुल किया था एट रॉसलिन इंस्टीट्यूट ऑफ एडिनबर्ग। स्कॉटलैंड के अंदर ये जगह है और ये जो क्लोन शिप थी उसका नाम था डॉली इसका बर्थ हुआ था फिफ्थ जुलाई नाइनटीन को और ये फर्स्ट मैमल था जिसकी हमने क्लोनिंग की थी अब ये जो प्रोसेस था क्लोनिंग का इसमें क्या किया गया एक सेल लिया गया फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड मेमोरी ग्लैंड होता है जो चेस्ट के आसपास के एरिया है वहां से एक सेल लिया गया एक फीमेल फिन डोरसेट शीप का वैसे ही एक एग निकाला गया एक स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव का जो कि एक फीमेल शीप होती है जो न्यूक्लियस है वो उस एग में से निकाल दिया गया ईव के एग में से न्यूक्लियस निकाल दिया गया बेसिकली हमें फिन डोरसेट शीप का न्यूक्लियस चाहिए था तो फिन डॉर्सेट का न्यूक्लियस निकाल के हमने ब्लैक फेस जो शीप था स्कॉटिश ब्रीड का उसके अंदर डाल दिया उसके बाद वो जो एग था उसको इंप्लांट कर दिया हमने वापस से स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव के अंदर जो फीमेल पार्ट शीप का है अब इसकी डेवलपमेंट हुई एग नॉर्मली ग्रो किया और डॉली का बर्थ हुआ अब आप ये समझ सकते हो कि फिन डोर्सेट शीप का हमने न्यूक्लियस क्यों लिया था क्योंकि हमें चाहिए था उसका क्लोन इसीलिए उसका न्यूक्लियस लिया था अब जब डॉली का बर्थ हो गया ये बर्थ दिया किसने स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव ने जो एब्सोल्युटली आइडेंटिकल था दिख किसके तरीके से रहा था फिन डोर्सेट शीप जैसा दिख रहा था क्योंकि उसका न्यूक्लियस लिया था अब जब ये सारा प्रोसेस हुआ तो ये पता चला कि डॉली का कोई कैरेक्टर नहीं है जो स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव जैसा था जिसमें वो पैदा हुई थी डॉली एक हेल्दी क्लोन कॉपी थी फिन डोरसेट शीप की और उसने अपने जैसे और बच्चों को पैदा किया नॉर्मल सेक्सुअल मीन्स के जरिए रिप्रोड्यूस करके क्लोनिंग करके नहीं अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई थी फोर्टीन फ़रवरी टू थाउजेंड थ्री के अंदर क्योंकि उसे लंग डिजीज हो गई थी जो डॉली केस था वो एक अमेजिंग एग्जाम्पल था उसके बाद ऐसे क्लोन्ड एनिमल्स रिप्रोड्यूस करने की हमने बहुत कोशिश की कुछ का बर्थ से पहले ही डेथ हो जाती थी कुछ बर्थ के बाद डेथ हो जाती थी और बहुत बार देखा गया कि ऐसे जो एनिमल्स पैदा किए जाते हैं उनके अंदर थोड़ी एबनॉर्मेलिटी होती है कोई प्रॉब्लम हो जाती है अच्छा एक लास्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट मैंने मधुमक्खी के छत्ते के बारे में आप लोगों को बताना था आपने एक हनी बी हाइफ देखा होगा जो एक कॉलोनी होती है जिसमें हजारों की तादाद में बीज रहती है इस छत्ते के अंदर सिर्फ एक मधुमक्खी होती है कॉलोनी के अंदर जो कि अंडे पैदा करती है इस बी को हम क्वीन बी बोलते हैं जो बाकी की फीमेल बीज होती हैं वो वर्कर बीज होती है उनका मेन जॉब होता है कि वो हाइफ को बनाए और जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनकी देखभाल करें उनको फीड करें, क्वीन बी को हेल्दी रखें ताकि वो हेल्दी बच्चे एग्स दे सके जो क्वीन बी है वो एक बारी में थाउजेंड्स की तादार में अंडे देती है अंडे जो है फर्टिलाइज हो जाते हैं उसके बाद हैच करते हैं इन फीमेल्स और ये अनफर्टिलाइज जो एग्स होते हैं वो मेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं कॉल्ड ड्रोन्स तो मेल्स को हम ड्रोन्स बोलते हैं जो जॉब होता है वर्कर बी का वो ये भी होता है कि वो हाइप के अंदर टेम्परेचर सही मेंटेन करके रखें जो कि है 35 डिग्री सेल्सियस का ताकि जो अंडे हैं वो हैच करें तो ये थी आज की क्लास आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया है अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेक श्योर यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आई सी यू नेक्स्ट टिल देन Take care. Bye-bye.